हालांकि ये फ्री में क्रेन आप सभी को सिखाने का बड़ा ही आसान तरीका है, जिसकी वजह से मैं आप सभी को बताने की हमेशा से कोशिश करता हूँ और कुछ नया बताने की कोशिश करता हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर न्यू ब्लॉग। तो गाइस कैसे हो? तो आज गाइस मैं आप सभी को कुछ नॉलेज देने वाला हूँ काम का, जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, हो सकता है तो वीडियो के एंड तक जरूर से देखिएगा, जिससे कि आपको नॉलेज हासिल हो। और मैं आप सभी को सिखाने वाला हूँ क्रेन कैसे चलाया जाता है, वो सारे फंक्शन, वो सारे तरीके, वो सारी चीज़ें मैं आप सभी को बताऊँगा, जिससे कि आप सीख सको कि क्रेन कैसे चलाया जाता है। और ये भी नॉलेज दूंगा कि किस तरीके से सीख सकते हो, किस तरीके से आगे बढ़ सकते हो। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और हमारे बैकग्राउंड में देखने को मिलेगा आपको एक से बढ़कर एक बिल्डिंग। हालांकि मैं कहाँ पे हूँ आप सभी को पता है, मैं हूँ इस वक्त मुंबई में। मुझे कई सारे लोग जानते होंगे तो पता होगा कि मैं मुंबई में ही रहता हूँ, और कई सारे लोग नहीं जानते हैं, उन्हें पता नहीं होगा कि मैं कहाँ रहता हूँ। ठीक है, तो मैं हूँ इस वक्त मुंबई में और आ चुका मैं क्रेन में, और ये एसी का क्रेन है। ठीक है, एसी का क्रेन है और 50-34 है, यानी कि 50-34 एसी का क्रेन है। ठीक है, यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा क्रेन कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे कुछ एक्सेसरीज रखा हुआ रहता है, केबिन ऐसा ही दिखता है। हालांकि ये नए क्रेन है तो इसमें एसी भी लगा हुआ है, पुराने जो क्रेन हो जाते हैं तो उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से एसी नहीं चलती कभी कभी, उसे बनवाया जाता है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ कि ये 40 मीटर का मतलब क्रेन है, मतलब लंबाई में 40 मीटर है, और इसकी लोड मतलब अच्छा कैपेसिटी उठा लेता है, मतलब अच्छा लोड उठा लेता है। और यहाँ पे इसकी चार्ट बोर्ड रखा रहता है, इसे आप रीड कर सकते हो, जिससे कि कुछ ना कुछ नॉलेज हासिल होगी। 2 पल में कितना उठाएगा, 4 पल में कितना उठाएगा, 20 मीटर पे कितना उठाएगा, 30 मीटर पे कितना, और 40 मीटर पे कितना उठाएगा, वो सारी तमाम तरह की नॉलेज यहाँ पे लिखा हुआ रहता है, जिससे कि हम अनुमान लगा के कई सारी लोड उठा लेते हैं। और दूसरी चीज मैं आप सभी को दिखा देता हूँ जो बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा ये ब्लैक बॉक्स, ये है एनेमोमीटर का। एनेमोमीटर यहाँ ऊपर में लगा हुआ रहता है, ठीक है, इस साइड में ऊपर में लगा हुआ रहता है, वो एनेमोमीटर का है। उसमें कंट्रोल रहता है, बताता है कि आपको इससे ओवर हो जाएगा तो आपको क्रेन नहीं चलाना है। यानी कि ये थोड़ा अलग टाइप का मशीन बैठा है, हालांकि इससे पहले दूसरा का मतलब दूसरे टाइप का हुआ करता था, तो उसमें नॉलेज अच्छा होता था, 30 के आसपास हवा रहता था तो मतलब नहीं चलाया करता था। तो इसमें थोड़ा सा मेरा को थोड़ा कंफ्यूजन है, बोलते हैं कि 10th के आसपास जाता है तो नहीं चलाना होता है, हालांकि ऐसे ओवर होता नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा सीन ही अलग है। तो चलो सामने के पोर्शन दिखाते हैं आप सभी को। ये 2 लीवर दिख रहा होगा आप सभी को, ठीक है, ये 2 लीवर दिख रहा होगा। तो ये कंट्रोलर है, ये हमारी कुर्सी है, सामने से कांच है, चारों तरफ से कुछ ऐसा ही दिखता है। तो कंट्रोलर दिखाता हूँ आप सभी को, ये हाइट डाउन का है, ठीक है, हाइट डाउन का है, और ये लेफ्ट राइट का है। साइड में जो दिख रहा है आप सभी को, ये लेफ्ट राइट का है, और ये जो ब्लैक बटन दिख रही है आप सभी को, ये वाली, ये वाला ब्रेक का है। आपका मन मुताबिक कर सकते हो, इनवर्ड फॉरवर्ड, यानी कि आगे पीछे होगा और लेफ्ट राइट होगा। और यहाँ पे चलिए दिखाते हैं आप सभी को, यहाँ पे स्टार्ट बटन है, यहाँ पे इसे हम घुमाते हैं स्टॉप, यानी कि इससे रुकता है क्रेन और स्टार्ट भी हो जाता है, और अलार्म मतलब टैप करने पे ये वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा। मैग्निफिकेशन, ये है, ये जो ब्लैक बटन दिख रहा है आपको, ये वर्क इस चीज में करता है, जैसे कि बाईपास करना, जैसे कि कोई चीज पॉसिबल नहीं होता है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना देता है। तो ये चीजें हैं, तो बाईपास करने का चीजें हैं। और सामने से क्रेन दिख रहा है, सामने से काम भी स्टार्ट है। तो ये सारी चीजें हैं, और सामने में आप सभी को देखने को मिलेगा ओके टॉकी, ये भी रहता है क्रेन में, और सामने से क्रेन ऐसा दिखता ही तो है, और साइड में स्विंग रिंग है, यहाँ से स्विंग होता है। और चलिए इसके बारे में बताते हैं आप सभी को, 80% मोमेंट वेट, यानी कि जब हाइट होगा लोड, तो उस वक्त लोड जो है ऐसे ऐसे अप डाउन करेगा, मतलब हिलेगा थोड़ा ज्यादा, तो उसको क्या कहते हैं, 80% वेट, मोमेंट वेट, ठीक है। और यहाँ पे 50% वेट मालूम पड़ता है, वेट होने के बाद ये लाइट जलते हैं, 100% वेट ये जलेंगे, तो ये मतलब क्रेन आपका लोड उठा नहीं पाएगा,
लोड क्रेन उठा नहीं पाएगा, उसके लिए है ओवर मोमेंट। ओवर होने के बाद मोमेंट करेगा थोड़े मोड़े, लेकिन उतने कोई खास वर्क नहीं करेगा। तो ये सारी चीजें हैं जो आप सभी को क्रेन सीखने में और सिखाने में मदद करती है। तो बताओ अब तक आपने कौन सी क्रेन चलाई और चलाई है भी या नहीं, ये अपनी रिप्लाई जरूर से कीजिएगा। हालांकि मैं जिस मतलब इस वक्त जिस जगह पे हूँ वो बड़ा ही अमेजिंग है, तो मैं यहाँ से कुछ चीजें दिखा सकता हूँ आप सभी को। फ्री में क्रेन आप सभी को सिखाने का बड़ा ही आसान तरीका है, जिसकी वजह से मैं आप सभी को बताने की हमेशा से कोशिश करता हूँ और कुछ नया बताने की कोशिश करता हूँ। कुछ घिसे पीटे रहते हैं, घिसे पीटे वाले के लिए माफ करना, लेकिन मैं कुछ बताने की हमेशा से आप सभी को कोशिश यही करता हूँ कि कुछ नया सीखो, कुछ अलग सीखो। और सीखना बिल्कुल भी मुफ्त है, फ्री में क्रेन सीख सकते हो। क्यों जाना है कहीं पे इंस्टीट्यूट पे, सब बोलते हैं कि इंस्टीट्यूट में जाता हूँ 40,000, 50,000, 60,000 के आसपास पैसे मांगते हैं, सिखा देंगे, बहुत सारी नॉलेज दे देंगे। भाई इतने पैसे क्यों खर्च करने हैं जब आपको फ्री में सीखने को मिल रहा है। हालांकि मैं आप सभी को यहाँ पे बता रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे तरीके से सीख ले रहे हो, क्योंकि ये हिलता है ना तो सामने वाले को हिला डालता है, तो ऐसा सीन बन जाता है। तो मैं आप सभी से यही कहूंगा, किसी भी कंपनी में को पकड़ो, वहां हेल्पर ही करो 1 से 2 ईयर, कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नए सीखोगे तो ही तो आगे बढ़ोगे। तो ऐसा सीन रहता है, अगर आप कुछ नया नहीं सीखोगे और सीखना ही नहीं चाहते और पैसे देकर सीखना चाहते तो वो आपके नुकसान है, फिर आपके नुकसान है। तो आप अपने नुकसान चाहते हो तो बेशक करा सकते हो, अपने को उससे मतलब फर्क नहीं पड़ता है ना। तो मैं आप सभी को नॉलेज इसीलिए देता हूं और इसी कैटेगरी से इसलिए मैंने चूज किया कि आप सभी वीडियोस देखोगे, कुछ नया सीखोगे, कुछ अलग सीखोगे, तमाम तरह की जानकारी मैं देने की कोशिश हमेशा से करता ही रहता हूं ताकि आप कुछ सीखो। लेकिन कई सारे लोग भाई पूछते रहते हैं तो हम लोग क्या बोल रहे हैं यार, इनको समझा के भी मतलब नहीं बनता है, क्योंकि मैं हालांकि कई सारे लोग क्या होता है ना कि नए नए लोग जुड़ते रहते हैं तो उनको कई सारी वीडियोस देखना पड़ता है तब जाके कुछ हासिल होती है। हालांकि कई सारे वीडियोस नहीं देखते हैं तो वो सवाल पे सवाल करते रहते हैं, तो कुछ इस तरीके की चीजें होती हैं। तो यार इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ की वाइब दिखा देता हूँ, कैसी कैसी बिल्डिंग है पहले वो देख लो। तो भाई देख लो, यहाँ से बिल्डिंगें दो दिख रही होंगी बड़ी बड़ी और सामने से तमाम तरह की बिल्डिंगें देखने को मिलती है। तो कुछ ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।